सादर जय श्री राम सियाबो। 22 जुलाई से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है, जिसमें विशेषकर हम महादेव की पूजा आराधना भली प्रकार से करेंगे। इसी के साथ एक चीज और होगी कि जो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, वो श्रावण मास के लिए अपने उस डाइट उस भोजन को छोड़ देंगे। जैसे ही श्रावण मास पूर्ण होगा, वो फिर से अपने उसी रूटीन पर वापस आ जाएंगे। और इसके बाद वो कब छोड़ेंगे, जब मैया के नवरात्रों का आरंभ होगा। कुछ लोग कहते हैं हम मंगलवार के दिन नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं हम पूरे सावन भर नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं हम नवरात्र में नहीं खाते हैं, कुछ कहते हैं हम घर में नहीं खाते, बाहर कभी कभी खा लेते हैं। मेरी उन सभी से एक प्रार्थना भी है और एक प्रश्न भी है। अगर सावन के महीने में छोड़ दिया जाए, तो क्या सावन के बाद अगर हम मांसाहार करेंगे तो क्या महादेव को वो चीजें नहीं दिखाई देंगी, क्या बाबा उन चीजों को नहीं देखेंगे? अगर हम नवरात्र के बाद मांसाहार का सेवन करें तो क्या उसके बाद के दिन मैया के नहीं है, क्या वो नहीं देखेंगी? मंगलवार अगर हनुमान जी का दिन है तो मंगलवार के बाद आने वाले दिनों में क्या हनुमान जी नहीं हमारी इस गलती को देखेंगे? अगर आप और हम ये सोचते हैं कि हम कुछ गिने चुने दिनों में छोड़ दें और बाकी दिनों हम जीव हत्या करते रहें तो हमारी सारी पूजा आराधना सफल होती रहेगी, तो हम और आप गलत फहमी में हैं। हत्या चाहे किसी भी दिन की जाए, किसी भी पल की जाए, किसी भी स्थान पर की जाए, हत्या हत्या होती है, वो चाहे मनुष्य की हो चाहे किसी पशु की हो। अगर कोई हत्या करने वाला व्यक्ति ये कहे मैंने किसी की हत्या दिन में नहीं की है, रात्रि के समय में की है, या कहे मैंने रात में हत्या की है, दिन में थोड़ी ना दिन दहाड़े हत्या की है, कोई कहे मैंने घर के बाहर थोड़ी ना हत्या की है, घर के भीतर की है, तो क्या ऐसा कहने वाला व्यक्ति दोषी नहीं कहलाएगा? हत्या चाहे घर में की जाए, चाहे बाहर की जाए, चाहे किसी भी कारण से की जाए, हत्या हत्या कहलाती है और वो व्यक्ति वो दोषी ही कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ये कहे मैं सावन में ना खाऊं तो बच सकता हूँ, कोई ये कहे हम नवरात्र में ना खाएं तो हम फिर भगवान के भक्त हो जाएंगे, मेरी एक बात है, मेरी एक प्रार्थना है कि जीव हत्या किसी भी पल की जाए वो कदापि क्षमा के योग्य नहीं होती। अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप का भी प्रायश्चित करना संभव है, किंतु जानबूझकर किए गए छोटे से छोटे अपराध का भी बड़े से बड़ा दंड मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना है इस बार के श्रावण मास में जब आप इस मांसाहार को छोड़िए तो पूर्णतः छोड़ दीजिए, जीवन पर्यंत के लिए शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए, आस्तिक रह करके भगवान का भजन करिए और अपने आहार विचार को शुद्ध रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए।